साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। परिसंचरण तंत्र का मतलब ऐसा तंत्र जिस तंत्र के माध्यम से शरीर में ब्लड का बहाव हो, उसी तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र पाया गया, इसको तीन भागों में बांटा गया। इसकी यानी कि इसके तीन भाग पाए गए, ठीक है। यानी कि जो पहला भाग पाया गया उसको बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा जो पाया गया उसको बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो तीसरा पाया गया उसको बोलते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका अलग काम होता है, जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका कुछ अलग काम होता है, और फिर उसके बाद में जो मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका बहाव कुछ अलग होता है, ठीक है। यानी कि तीनों का बहाव कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नली में नहीं होता है, हाँ। यानी कि जैसे क्या है कि अगर जो कोई कीट हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे क्या तिलचट्टा है, अगर जो तिलचट्टे को कुचल दिए तो उसमें से भी ब्लड निकलता है, हाँ। तो किस फॉर्म में, उसके शरीर से निकलता है, यानी कि बहुत स्लो स्लो निकलेगा, कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड नली में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। यानी खुले शरीर में ये बहता है, यानी कि जो तिलचट्टे को या तो पौडा हो गया मोलस्का जो कुचल देते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसमें से भी ब्लड का बहाव होता है, बशर्ते वो क्या होता है प्रेशर के साथ नहीं निकलता, उसके बॉडी से आहिस्ते 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 आराम आराम से ब्लड निकलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो दूसरा पाया गया इसको बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ब्लड नली में घूमता है, हाँ। इनमें जो ब्लड होता है इनमें नली में घूमता है, जैसे क्या है आदमी, ठीक है। आदमी अगर जो आदमी बाय चांस अपने हाथ को काट दिया या बाय चांस गलती से कट भी जाए, तो देखिए आदमी के शरीर में जो नसें पाई जाती हैं उन्हीं नसों में ब्लड घूमता रहता है। अगर जो नस कटा तो फिर उसके बाद में तो ब्लड तो आएगा, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि ब्लड एकदम प्रेशर के साथ बहुत तेज़ी से वायरल होता है, बहुत तेज़ी से निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, इनमें ब्लड नली के माध्यम से यानी कि नस के माध्यम से निकलता है। जो नस का खाली जगह होता है, बीच वाला जो जगह होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा पाया गया इसको बोलते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें लिखे हैं शरीर के कुछ हिस्सों में ब्लड नस के माध्यम से घूमता है और बाकी कुछ हिस्सों में ब्लड खुले में घूमता है। यानी कि मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इन्हीं दोनों को मिलाकर फिर उसके बाद में क्या बना है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो ब्लड होता है शरीर के कुछ हिस्सों में खाली जगह ऐसे घूमता है और शरीर के कुछ हिस्सों में नसों में ये ब्लड घूमता है। जैसे मछली है, जब मछली को काटेंगे तो मछली के शरीर में कोई नस नहीं पाया जाता है, शरीर में कोई नस नहीं पाया जाता है। जो पूंछ तक ब्लड पहुंचता है वो एक नाल के माध्यम से, एक नली के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में, लेकिन अगर जो उसके शरीर को काट दिया जाए तो देखते होंगे उसके मांस से भी आहिस्ते आहिस्ते यानी स्लो स्लो ब्लड थोड़ा थोड़ा निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी क्वालिटी क्या है, ब्लड नली में नहीं होता है, हाँ, सीधा शरीर में बहता है। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसमें ब्लड नली के माध्यम से विथ प्रेशर बहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है, शरीर के कुछ हिस्सों में ब्लड होता है और शरीर के कुछ हिस्सों में नसों में भी ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड वेसल का मतलब ये हो गया, रक्त वाहिनी का मतलब, कि रक्त को ले आने तथा ले जाने वाली नसों को ही ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिनी कहते हैं। ब्लड को ले आने तथा ले जाने वाले ही नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। इसमें दो चीज लिखे हैं, एक चीज लिखे हैं धमनी और दूसरा चीज लिखे हैं सिरा। हाँ, जो धमनी होता है ये क्या काम करता है, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाएगा, यानी कि ब्लड को क्या काम करेगा, हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाएगा तो विथ प्रेशर यानी कि एक तेजी प्रेशर के साथ लेकर जाता है। वो प्रेशर कितना होता है, 120, जिसको पारा में मेजर किया जाता है, ठीक है। दिखने में कैसा होता है,
हाँ, जो धमनी होता है दिखने में कैसा होता है, वो दिखने में मोटा होता है। मोटा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेशर 120 का है, अगर जो पतला होगा तो नस फट भी सकती है। हाँ, जैसे देखे होंगे कि जब बकरे को काटते हैं तो यहाँ एक नली पाई जाती है, हाँ धमनी, जब धमनी काटते हैं तो आवाज़ के साथ और पूरी प्रेशर के साथ ब्लड बाहर निकलता है। हाँ, तो जो स्पीड होता है वो कितना है, 120 के स्पीड में निकलता है। धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि धमनी में ब्लड का बहाव होता है, ठीक है। और रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध, धमनी में जो रक्त होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन, हमने ये भी बताया पिछली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हमने ये बताया है कि जो रक्त का शुद्धिकरण करता है वो ऑक्सीजन ही करता है, ठीक है। जो धमनी होता है ये काफ़ी गहराइयों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ लिखे हैं सिरा, तो सिरा वेन, ये धमनी क्या काम करता है, सीधा काम करता है, ये इसका उल्टा काम करेगा। जैसे धमनी ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाता था, ये क्या काम करेगा, ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जाएगा। हाँ, ये हार्ट से बॉडी की तरफ, ये बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जाता है। जो प्रेशर होता है वो प्रेशर 80 के प्रेशर में लेकर जाएगा, कितना, 80 के स्पीड में। हाँ, इधर से जब गया है तो 120 में और लौटा है तो 80 में। ये जरूरी नहीं कि बॉल को दीवार पे मार दिए, जितने के स्पीड में बॉल वापस ही उतने स्पीड में आएगी, उसका जो आने का जो चाल होगा वो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो इधर से कितना 120 में गया है, आएगा कितने में, 80 में, ठीक है। तो देखिए, जब भेजा गया तो इसमें कोई वाल्व का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जब आएगा तो यहाँ पर वाल्व का भी प्रयोग होता है। वाल्व का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि गया है तो 120 में कोई टेंशन नहीं है कि इधर भी ब्लड इधर उधर नहीं जाएगा, अपनी सीधी रास्ता में जाएगा, लेकिन आ रहा है स्लो स्लो तो कहीं भी ब्लड मुड़ सकता है। हाँ, इसीलिए वाल का प्रयोग किया गया। जैसे वाल क्या होता है, वाल, ठीक है। अभी देखिए, इधर से ब्लड गया तो ये सिरा खुलेगा और फिर उसके बाद में जब यहाँ पर पहुँचा तो ये वाला सिरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा सिरा, यहाँ पर ब्लड पहुँचा, ये वाल खुलेगा और फिर उसके बाद में जैसे ही ये क्रॉस किया तुरंत ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि स्पीड कम है, ब्लड घूम भी सकता है, ठीक है। और रंग कैसा होता है, तो रंग जो होता है सिरे का नीला होता है। जैसे हाथ में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर नीले नीले कुछ नस दिखाई दे रहे हैं, हाँ नीले नीले, इसी को क्या कहेंगे, सिरा। हाँ, और फिर उसके बाद में जो धमनी होता है, ये धमनी जो मोटा मोटा अंदर वाला दिखाई दे रहा, अंदर वाला ये क्या है, धमनी है, ठीक है। रक्त क्या, इसमें रक्त कैसा होता है, तो रक्त क्या होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। रक्त अशुद्ध होता है और फिर उसके बाद में ये सीधा पतला होता है, पतला पतला दिखाई दे रहा है, नीला नीला नस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, शरीर में रक्त के मार्ग, ठीक है। ब्लड आएगा फेफड़े से हार्ट के पास और फिर उसके बाद में हार्ट से होते हुए जाएगा महाधमनी और फिर उसके बाद में धमनी, फिर उसके बाद छोटी धमनी। धमनी में भी तीन प्रकार के धमनी होती है, तीन तरह के धमनी होते हैं। ये जो मोटा वाला नस पाया गया, मोटा वाला, ये क्या है, महाधमनी है। हाँ, और फिर उसके बाद में ये धमनी आया कहाँ पर, हाँ ये जो अंदर का नस मोटा मोटा दिखाई दे रहा है ये क्या है, धमनी है। हाँ, और फिर उसके बाद में ये जो छोटा सबसे पतला धमनी पाया गया, यानी फिर भी मोटा है इसके अपेक्षा ही है, तो ये क्या है, छोटी धमनी, ठीक है। यानी कि जो एक नंबर पे मोटा है वो महाधमनी और इसकी अपेक्षा जो ये पतला ये क्या है, धमनी है, और इसकी अपेक्षा जो सबसे पतला ये क्या है, छोटी धमनी। तो ब्लड आएगा हार्ट से महाधमनी के पास और फिर उसके बाद में महाधमनी से छोटी धमनी और धमनी से होते हुए कहाँ, छोटी धमनी के पास जाएगा, ठीक है। और छोटी धमनी से फिर उसके बाद में आएगा केशिका के पास। केशिका एक ऐसी जगह होती है जहां पर ब्लड का शुद्धिकरण एंड अशुद्धिकरण दोनों होता है, ठीक है। जैसे दीवार पे या हाथ अगर जो बाय चांस हल्का से रगड़ गया, तो देखिए रगड़ने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम ज्यादा जख्म आएगा, फिर भी जख्म आएगा, ठीक है। तो देखिए जख्म जब आता है तो उसमें भी देखे होंगे थोड़ा थोड़ा ब्लड ब्लड निकलता है, ठीक है। तो वहां पर क्या कटता है, धमनी तो नहीं कटेगा, वहां पर कटेगा केशिका, ठीक है।
और फिर उसके बाद केशिका एक ऐसी जगह हमने बताया कि जहाँ पर ब्लड का शुद्धिकरण एंड अशुद्धिकरण दोनों होता है। और ब्लड कहाँ पर? छोटी सिरा, और छोटी सिरा से होते हुए सिरा, और फिर उसके बाद में सिरा से होते हुए महासिरा में आता है, और महासिरा से फिर उसके बाद में हार्ट को मिल जाता है। और हार्ट क्या काम करेगा कि देगा फेफड़े को, और फेफड़ा उस ब्लड में क्या काम करेगा, ऑक्सीजन मिला देगा, और ऑक्सीजन मिलाने के बाद फिर इसी को देगा हार्ट को, फिर हार्ट, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका क्या काम करेगा, सिरा, फिर उसके बाद में छोटी सिरा, फिर उसके बाद सिरा, फिर महासिरा, फिर हार्ट, फिर फेफड़ा, फिर फेफड़ा क्या काम करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, और मिलाने के बाद फिर हार्ट को दे देगा, यानी यही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।